नासदासिन्नो सदासि तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था तैमूर के हमले से दिल्ली सल्तनत के कई टुकड़े हो गए थे। इस मौत की नींद से जागने में दिल्ली को काफी वक्त लगा और जब जागी भी तो दिल्ली एक बड़ी सल्तनत की राजधानी नहीं रही थी। तैमूर के आक्रमण के बाद उत्तर भारत कमजोर और बंटा हुआ रहा। इससे कहीं अच्छी हालत में था दक्षिण भारत, जहां का सबसे बड़ा राज्य था विजयनगर। इत्तेफाक से कई विदेशी यात्री विजयनगर आए और उन्होंने अपने सफरनामों में शहर और राज्य के बारे में काफी कुछ लिखा। इन ब्योरों से लगता है कि शहर काफी खुशहाल और सुंदर था। मध्य एशिया के अब्दुल रजाक लिखते हैं, ये शहर ऐसा है जैसा न किसी ने देखा न सुना होगा। सारी दुनिया में इसका सानी नहीं है। अब्दुल रजाक ने शायद ज्यादा बड़े शहर नहीं देखे होंगे, इसलिए विजयनगर को देखकर वो वाकई बहुत हैरान हुआ। उसके बाद आया एक यात्री, दुनिया भर में घूमा था, वो था पुर्तगाली डोमिंगो पायस, जो 1522 में विजयनगर आया। इस देश में घनी आबादी वाले कई शहर कस्बे और गांव है। महाराज ने एक विशेष नगर बनवाया है जो मजबूत चार दीवारी और परकुटों से घिरा है। महाराज का महल भी एक मजबूत दीवार से घिरा हुआ है, जिसके अंदर इतनी जगह है जितनी पुर्तगाल की किसी महल में नहीं। इस शहर में साफ सुथरी सड़कें और धनिकों, सेनानायकों, सामान्य नागरिकों के भव्य मकान है। इस नगर में सभी देश और जाति के लोग हैं, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर कीमती पत्थरों, खासतौर पर हीरों का व्यापार होता है। शहर के आकार का बयान मुश्किल है। देखने से ऐसा लगता है जैसा ये रोमा जितना ही बड़ा और खूबसूरत है। सारी दुनिया में ये शहर इसीलिए भी बेहतरीन है क्योंकि यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। इस शहर की हालत उन शहरों जैसी नहीं जो अपने नागरिकों को खाने पीने का सामान भी नहीं दिला पाते। यहाँ तो हर आदमी के पास जरूरत की हर चीज है।
पायस ने विजयनगर के शासक के बारे में भी लिखा है। वो दक्षिण भारत के इतिहास के महान शासकों में था। उसका योद्धाओं में बड़ा नाम था। एक ऐसा योद्धा जो दुश्मनों से भी नरमी से पेश आए, एक ऐसा राजा जो साहित्य और कला का सरपरस्त था, जो एक हर दिल अजीज और दरिया दिल राजा था जिसकी याद अब तक दक्षिण में ताजा है। उसका नाम था कृष्णदेव राय। पापा जी, अन्ना की तबीयत अब कैसी है? महाराज अचेत अवस्था में है, लगता है उनका अंतिम समय आ गया है। क्या? अब जाने की कोई जरूरत नहीं, शोक मनाने के लिए तुम्हें बाद में काफी समय मिलेगा। तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे जाने दो। जाने से क्या लाभ, महाराज ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है। अब तुम चाहो भी तो उनके विचार नहीं बदल सकते। तो अब क्या तुम उनके उत्तराधिकारी बन बैठे हो? सिंहासन हड़पने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी योजनाएं तुम ही बनाते रहे हो, पर अब कोई फायदा नहीं। अन्ना ने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। वो 6 बरस का नादान बच्चा है, वो राज्य कैसे चलाएगा? क्यों नहीं, किसी योग्य शासनपाल की मदद से अवश्य चला सकता है। और वो योग्य शासनपाल आप ही होंगे, है ना? महाराज ने शासनपाल के संबंध में कुछ नहीं कहा है। मैं महाराज का सगा भाई हूं, तुम सौतेले, मेरा हक तुमसे ज्यादा है। महाराज ने कुछ दूसरे आदेश भी दिए हैं, अप्पा जी सुना दीजिए। जी हाँ, महाराज वीर नरसिम्हा देव राय ने आदेश दिया है कि कृष्णदेव राय को बंदी बना लिया जाए और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाएं। महाराज ऐसा आदेश कभी नहीं दे सकते, वो इतने क्रूर नहीं हैं, वो मुझे बेहद चाहते हैं। ऐसा उन्होंने अच्युत देव राय की सलाह पर ही किया है। अच्छा, मेरे सैनिक अभियान में राजधानी से बाहर चले जाने के बाद तुमने महाराज की जो सेवा की है ये उसी का फल है। मगर मैं श्रेष्ठ सेनानायक समझा जाता हूं, मैं साम्राज्य को कमजोर नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो। ऐसा सोचा गया कि तुम नए राजा के प्रति निष्ठावान नर हो। कितना ऐसा सोचा तुमने? सैनिकों, महाराज के आदेश का पालन करो, बंदी बना लो इसे। देख क्या रहे हो, बंदी बनाओ। राजकुमार, वो आपके आदेश का पालन नहीं करेंगे, खास तौर से कृष्णदेव राय के संबंध में बिल्कुल नहीं। क्या क्या मतलब इन सबका? आप जल्दी मतलब समझ जाएंगे। सैनिकों, राजकुमार अच्युत देव राय को सुरक्षित उनके कक्ष में ले जाओ। मुझे तो लगा कि आप मुझे बंदी बना ही लेंगे। और आपकी आंखें फोड़ दूंगा। मैंने आपको महाराज का आदेश सुनाया है, ये तो नहीं कहा कि मैं उसका पालन भी करूंगा। मैं आपके स्नेह और निष्ठा का बहुत आभारी हूं। मैं साम्राज्य के प्रति निष्ठावान हूं, विजयनगर के सिंहासन पर एक बच्चे को नहीं बल्कि आप जैसे एक समर्थ व्यक्ति को बैठना चाहिए। सकलांध्र निखिल कर्णाटक भू नवरत्न खचित सिंहासनधिप संकेत नृत्य शिल्प श्री कृष्ण राय भूप श्री कृष्ण राय भूप कलपिटु हस पटु महादेवी नर्तन कर धिक लाएगी झांझर रव से कंकण ध्वनि से मंडूक सरस गाथा मंडू किट तक सद गिण तुम सद गिण तुम सद गिण तुम हे माधवी पूर्व
पूर्व जन्म में संग रावण के परिणय निर्णय करके शपथ ली मन ही मन में मंदोदरी ने पर विधि की लीला से वो मंडूक बनी। जगमग जगमग कवच खड़ग है दोन भुजा पर जमे अड़िगे है ताम दिग्री ताम दिग्री ताम दिग्री ताम तत्त दिग्री तत्त दिग्री तत्त दिग्री ताई। हे माधवी रूप लावण्य मयी कोमल कुसुम जैसी मंदोदरी को रावण ने देखा हिमगिरी सुता सूजा सम्मोहित हुआ सम्मोहित हुआ सम्मोहित हुआ संग संग केली की रस की दुबकी कोमल कामिनी अतिशय मोगी वर भागों में मंदोदरी को ले गए लंकापुरी को वो ले गए लंकापुरी को राजा तिराज वीर प्रतापी श्री कृष्ण राय भूप श्री कृष्ण राय भूप सलाम सलाम सलाम। चंद्रगिरी किले में सभी प्रबंध भली भांति पूरे हो चुके हैं ना? जी हाँ महाराज, राजकुमार वहां से भाग नहीं सकते, पहरेदार भरोसेमंद है और हम उन्हें समय समय पर बदलते भी रहेंगे ताकि वो राजकुमार से कोई संबंध बना सके। अप्पा जी, जी मुझे एक बात का आश्वासन दीजिए कि उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वैसे भी मुझे अपने सगे संबंधियों को कारावास में डालते हुए ठीक नहीं लग रहा। महाराज ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा है, परंतु ऐसा न करने में जोखिम अधिक है क्योंकि इस वक्त हमें बाहरी शत्रुओं से निपटने की तैयारी करनी है, अंदरूनी जोखिम उठाने की अवस्था में हम नहीं। हाँ, बीजापुर के आदिल खान ने उत्तरी सीमा को कृष्णा से तुंगभद्रा तक धकेल दिया है और पश्चिम में गोवा और बेलगांव पर कब्जा कर लिया है। उधर उड़ीसा के गजपति ने उदयगिरी को हड़प कर हमें पूर्वी घाटों तक धकेल दिया है। अब इससे ज्यादा हमारी प्रतिष्ठा और क्या कम हो सकती है। महाराज हमें पूरा विश्वास है या विजयनगर की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिला सकते हैं। आपके इस विश्वास से साहस बढ़ता है। अप्पा जी, जी मैं सौगंध खाता हूं अंतिम सांस तक विजयनगर की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का प्रयास करता रहूंगा। महाराज आधी सफलता तो ये संकल्प है। सबसे पहले हमें अपने नायकों को काबू में करना होगा। उन देशद्रोहियों को हमने पत्र लिखे थे, कोई उत्तर मिला? जी, दक्षिण के कुछ नायकों ने राजस्व देने से इनकार कर दिया है और मैसूर के भी कुछ नायक आपको राजा मानने को तैयार नहीं। उम्मतूर के दुष्ट गंगाराया ने सिंहासन पर अपना दावा करने का दुस्साहस भी किया है। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन देशद्रोहियों को अब मेरी तलवार की धार का सामना करना पड़ेगा। एक राजा को अपने बंदरगाहों का संचालन करना चाहिए जिससे व्यापार में वृद्धि हो सके, घोड़ों रत्नों और मोतियों के आयात को प्रोत्साहित करना चाहिए और बाहर देश से आकर यहां बसे हुए लोगों को उनके रहन सहन के अनुसार सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। आइए अप्पा जी। जी पादरी कहां हैं? क्या चाहते हैं वो हमसे? महाराज वो पुर्तगालियों का दूत बनकर आए हैं और अपने राज्यपाल अल्बुकर्क की ओर से कोई आवश्यक संदेश लेकर।
उनसे हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। पुर्तगालियों से हमें मित्रता और व्यापार संबंध बनाए रखने हैं। पर महाराज, हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि पुर्तगाली केवल व्यापारी बनकर ही संतुष्ट नहीं है, लगता है उन्हें कुछ और भी चाहिए। देखिए, उनके शत्रु कालीकट के सामुद्री और बीजापुर का आदिल खान है, ये हमारे भी शत्रु हैं। मेरे विचार से तो इस समय हमें पुर्तगालियों का साथ देना चाहिए। पर महाराज, हमारे सारे नायक पुर्तगालियों से समझौता करने को तैयार न होंगे, बल्कि उनमें से कुछ बीजापुर के आदिल खान से संधि करना अधिक पसंद करेंगे। हमारी संधि बहमनी सुल्तान महमूद शाह के साथ है, और वो परेशान है अपने नायक आदिल खान से, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहा। इस समय आदिल खान से संधि का कोई मतलब नहीं, तब तक नहीं जब तक हम इस आदिल खान को उसकी असली जगह न समझा दें। मगर ठहरिए, पहले हमें यह जानना चाहिए कि ये पादरी जी क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं। जी महाराज, आइए। 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 आपका स्वागत है। आप अपने महाराज और राज्यपाल महोदय से इन उपहारों और शुभकामनाओं के लिए हमारा धन्यवाद जरूर कहिएगा। श्रीमान, हमारा महाराज हृदय से आपका सम्मान करते हैं और मित्रता की इच्छा रखते हैं। पर उनसे तो हमारी मित्रता है ही, और हम इस मित्रता को विशेष महत्व देते हैं, क्यों अप्पा जी? जी, मित्रता के अलावा आपके राज्यपाल श्रीमान अल्बुकर्क हमारे राया से और क्या चाहते हैं? हम शांति और मित्रता की भावना के साथ आपके देश और यहाँ के व्यापार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इसके बदले हमें और क्या मिलेगा? हम अपने जहाजों में ओर्मुज और दूसरे स्थानों से घोड़े लाया करते हैं, जो अरबी घोड़े से कुछ अच्छे होते हैं। हम वचन देते हैं कि जो भी घोड़े लाएंगे सब आपको ही बेचेंगे, आपके शत्रु को एक भी नहीं। यह आपकी उदारता है। वैसे अरबों के साथ भी हमारा ऐसा ही समझौता है, वो जितने भी घोड़े हमारे बंदरगाह पर लाते हैं हम सारे के सारे खरीद लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई घोड़ा राह में मर जाए तो उसकी पूंछ दिखा देने पर ही हम उसकी कीमत दे देते हैं। यह आपके बड़ापन है श्रीमान। पर क्या क्या आपको हमारा प्रस्ताव ठीक नहीं लगा? नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि घोड़े के अलावा हम और बहुत कुछ दे सकते हैं, टोप, बंदूकें, एटसेट्रा। इसका लाभ तभी होगा जब आप इन हथियारों को चलाना सिखाने वाले भी भेजेंगे। राजपाल के ओर से कहता हूं यह भी संभव हो जाएगा। अच्छा प्रस्ताव है, हम इस पर विचार करेंगे। सुना है आप लोग अरब सौदागरों से युद्ध करना चाहते हैं? उनके साथ हमारा धार्मिक झगड़ा है। कालीकट के जामोरिन और आदिल खान न केवल आपके लेकिन हमारे भी शत्रु है। ये लोग अरब सौदागरों को शरण देते हैं। आपके और हमारे शत्रु एक ही है श्रीमान जी। सुना है कि आप हमारे देश में अरबों से युद्ध करना चाहते हैं। आपके आज्ञा और सहायता के बिना नहीं। यदि आप हमारे साथ हैं
तो हम आदिल खान को गोवा से हटा सकते हैं। हमें यह भी मालूम हुआ है कि पुर्तगाली स्वयं गोवा पर आग गड़ाए बैठे हैं। जी नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें आपकी थोड़ी सी भी हानि होती हो। गोवा हमारा है, समय आने पर हम उसे स्वतंत्र करा ही लेंगे। अवश्य श्रीमान, अवश्य। एक छोटा सा निवेदन और है, हमें एक सुरक्षित बंदरगाह की जरूरत है जिसमें हमारे जहाज रुक सके। हम आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे और आपके राज्यपाल को अपना निर्णय दूत के जरिए भिजवा देंगे, किंतु अभी कुछ दिन आप हमारे विजयनगर में राजकीय अतिथि बनकर रहिए और यहां की सुख सुविधा का आनंद उठाइए। राया रोज सूरज उगने से पहले शेर भर तिल का तेल पीते हैं और फिर इसी तेल से मालिश करवाते हैं। मालिश के बाद एक लंगोट पहन मुगदर उठाते हैं, फिर तलवारबाजी के अभ्यास करते हैं जब तक कि सारा तेल पसीने के साथ बह न जाए। फिर अपने किसी पहलवान के साथ कुश्ती लड़ते हैं। इतनी मेहनत के बाद घोड़े पर सवार हो सूरज उगने से पहले खुले मैदान में एक दिशा से दूसरी दिशा तक घोड़ा दौड़ाते रहते हैं। दिन निकलने से पहले तक वो इन्हीं कामों में व्यस्त रहते हैं। मलाया के ऐतिहासिक दस्तावेज हिकायत हांगतुआ में मलेशिया से आए हांगतुआ नाम के एक दिलचस्प यात्री का जिक्र मिलता है। बहुत अच्छे भाई, तुम तो तलवारबाजी की कला में माहिर हो हांग त्वांग। भाई तुम्हारे नाम का उच्चारण कुछ कठिन है। आप मुझे लक्ष्मण भी कह सकते हैं महाराज। अच्छा, किंतु ये तो भारतीय नाम है, क्या ये नाम तुमने यहाँ आने के बाद रखा है? जी नहीं, हमारे देश मलाय में भी भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण की कथा मशहूर है। क्या तुम्हारे मलया में सभी सैनिक तुम्हारी तरह तलवारबाजी जानते हैं? जी नहीं महाराज, बहुत कम, सिर्फ महाराज द्वारा चुने हुए कुछ अच्छे सैनिक ही, और उन सैनिकों को हमारे यहाँ सम्मान भी बहुत है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अप्पा जी, जी क्या हम लक्ष्मण को अपने कुछ चुने हुए सैनिकों को ये कला सिखाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं? तो महाराज, खेल तो बहुत अच्छा है पर हमारे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। ये बात सही है, आजकल युद्ध का निर्णय तलवार और तलवारबाज की प्रतिभा पर निर्भर नहीं करता। पर महाराज, अंतिम समय में तलवार ही काम आती है। भाई हम कोई तलवार फेंकने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। अच्छा लक्ष्मण, क्या तुम हमारे कुछ चुने हुए सैनिकों को ये कला सिखा सकते हो? अवश्य महाराज, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। राया, बीजापुर के नए बादशाह इस्माइल आदिल खान का एलची आया हुआ है, उसे यहाँ बुलाओ। यहाँ राया? क्यों नहीं, क्या उसने कभी घोड़े पर सवार आदमी नहीं देखा है? जी हाँ जी। आदाब हुजूर। हुजूर, हमारे नए सुल्तान के वालिद के इंतकाल पर भेजे गए हमदर्दी भरे पैगाम के लिए आपके एहसानमंद हैं, और उनके तख्तनशी होने पर आपकी बधाइयां पाकर वे खुश हुए, उन्होंने शुक्रिया भेजा है।
पर हुजूर हमारे सुल्तान को इस बात का अफसोस है कि विजयनगर के नायकों ने उस वक्त जबकि सुल्तान सोग में थे गोवा पर कब्जा पाने के लिए पुर्तगालियों की मदद की और एक नाजुक मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। हुजूर नायकों ने गोवा पर कब्जा आपके लिए किया होता तो भी कोई बात थी, पर पुर्तगाली जो कि फिरंगी हैं, परदेसी हैं, उन्हें अपनी जमीन पर कब्जा क्यों करने दिया जाए? पर यूसुफ आदिल खान भी तो परदेसी थे। हुजूर उनकी सिर्फ पैदाइश ही परदेश में हुई थी, वो तो यहाँ के बाशिंदे हो गए थे और उनकी दारुल सल्तनत बीजापुर थी ना कि सात समंदर पार। अच्छा, इसीलिए बीजापुरी पुर्तगालियों के साथ बैठ के और हमारे विरुद्ध संधि करने की कोशिश करते रहे हैं। हुजूर को कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमें पक्का मालूम है कि आप लोगों ने हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए तोपें बंदूकें और घोड़े खरीदे हैं। अब उनसे मतभेद हो गया तो हमारे पास चले आए हो। पर हुजूर ये बात सच है कि हमारे खिलाफ लड़ाई में आपके नायकों ने पुर्तगालियों का साथ दिया है, पर हुजूर शायद ये बात आपको मालूम ना हो। और बहुत हुआ, अब ये बताओ थोड़े शब्दों में और जल्दी कि आदिल खान हमसे क्या चाहता है। हुजूर हमारे सुल्तान पुर्तगालियों से गोवा आजाद कराने में आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं। लेकिन हमने माना ही कब है कि गोवा आपका है, और फिर आदिल खान तो बहमनी सुल्तान का नायक है, तुम उसे सुल्तान क्यों कहते हो? वैसे हमारा फिरंगियों से कोई झगड़ा तो है नहीं, जबकि बीजापुर ने हमारी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हड़प लिया है। जब तक कि इस्माइल आदिल खान हमारी जमीन का हिस्सा वापस नहीं करते, हम उनसे कोई समझौता नहीं कर सकते। मैं उस गीदड़ गंगा राय से निपटने तक साम्राज्य का भार आपके कंधों पर डाल रहा हूं। विजयी भव, ईश्वर आपको विजयी करें। स्वागत है पादरी जी, आप गोवा कब वापस जा रहे हैं? अभी तुरंत ही राया। आपके राज्यपाल महोदय के साथ एक लाभदायक समझौते के लिए मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा महाराज। मैं इस नगर की जल व्यवस्था को ठीक करवाना चाहता हूं। विजयनगर में एक बड़े जल प्रलय की आवश्यकता है जिसे पुर्तगाली कारीगर ही बना सकते हैं, इसलिए आप पुर्तगाली कारीगर और जल वैज्ञानियों को साथ लाना ना भूलिएगा। अवश्य। और दूसरी शर्तें भी आपको मालूम ही है ना? जी हाँ, यही है ना कि सिर्फ आपको ही घोड़े बंदूकें और टोपे दी जाएं और बदले में आप हमें बंदरगाहों का उपयोग करने, एक बस्ती, एक सैनिक छावनी और एक कारखाना बनाने की अनुमति दी जाए। इसके साथ आप हमें गोवा में भी कुछ अधिकार देंगे। बिल्कुल ठीक अप्पा जी, पादरी लुईस के साथ एक सशस्त्र सैनिकों की टोली भेज दी जाए। पता नहीं है आदिल खान कब क्या कर बैठे। चुआ के महाराज। राया, खुशखबरी है राया। कहो। उम्मतुर का गंगा राया मारा गया। कैसे? पीछा करते हमारे सैनिकों से डर कर भागता हुआ वो कावेरी में डूब मरा। वो देशद्रोही इसी लायक था। अच्छा हुआ साम्राज्य का एक और कांटा खत्म हुआ। अभी अब आपको उम्मतुर के नए शासनपाल के बारे में सोचना चाहिए राया। गोविंद राया कैसा रहेगा? कौन गोविंद राय? अब्बा जी का भाई, पर वो तो ब्राह्मण है राया। तो महाराज, हम चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हुए हैं। हमें इस समय शक्तिशाली सेना नायकों और उनके तैयार सैन्य दलों की आवश्यकता है, ऐसे ब्राह्मणों की नहीं जो जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी ना उठा सके। शस्त्र चलाने के लिए हमारे पास सेना है। गोविंद राया वहां की व्यवस्था को सुधार सकता है। ब्राह्मणों को उच्च पदों पर बिठाकर मैं वास्तव में कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हो चुके नायकों की शक्ति को कम करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता फिर से कोई गंगा राया सर उठाए। पर राया, ब्राह्मण पहले से ही बड़ी संख्या में मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। आपस में सब संगठित होकर आपके विरुद्ध उठ खड़े हुए तो? ऐसा नहीं हो सकता।
उनके पास नायकों जैसे शस्त्र चलाने वाले सैनिक कहां? हां, अगर तुम शासनपाल बनना चाहते हो तो साफ साफ शब्दों में कहो, तुम मेरे दामाद हो। जब आपने निर्णय कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूं? रामराया, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रखना चाहता, तुम्हें यह समझना चाहिए। पढ़िए जो लिखा है। कोई राजा यदि ब्राह्मणों को उच्च पद पर प्रतिष्ठित करता है तो वह अपनी उन्नति के द्वार खोलता है। जोखिम उठाकर भी ब्राह्मण अपने कर्तव्य पथ पर इसलिए डटा रहता है कि क्षत्रिय और शूद्र अधिकारी से हंसी का पात्र ना बनाए, और इसलिए भी ताकि वह दूसरे ब्राह्मण अधिकारी की दृष्टि से गिर न जाए। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल उन्हीं शब्दों में लिखा है जो मैंने कहे थे, इस बार कोई भूल नहीं हुई। आगे लिखिए, राजा के सेवकों के भोजन में से यदि एक कौर भी कम हो जाए तो वो राजा को कोसने लगते हैं। क्या राजा का कोई मित्र होता है? साथ दे रहे व्यक्ति पर अपनी पकड़ ढीली ना होने देना क्या बुद्धिमानी का काम है? बुद्धिमानी का काम वो है पकड़ ढीली किए बिना मित्र को साथ रखा जाए। उस पर आप विश्वास भले ही ना करें किंतु उसके साथ सदैव अच्छा व्यवहार करें। कहिए अपाजी, क्या बात है? मैंने आपके लेखन कार्य में विघ्न डाला, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अवश्य ही महत्वपूर्ण कार्य होगा, कहिए। जी हाँ, भमिनी सुल्तान महमूद शाह का गुप्त संदेश प्राप्त हुआ है। आदिल खान ने उन्हें बंदी बना रखा है। उन्होंने आपसे विनती की है कि आप उनकी सहायता करें और उन्हें मुक्त कराएं। आदिल खान को नीचा दिखाने का यह अच्छा मौका है। महमूद शाह को संदेश भेजिए कि हम उन्हें बिदर की गद्दी पर वापस बिठाएंगे। आप समझ रहे हैं ना अपा जी, बहमनी सुल्तान को पुनः गद्दी पर बिठाने वाला दक्षिण में मैं पहला हिंदू राजा होऊंगा। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? जी हाँ, शक्तिशाली और शत्रु पड़ोसी आदिल खान की तुलना में आपके उपकारों से दबा दुर्बल महमूद शाह हमारे लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। आदिल खान की राजधानी पूरी तरह नष्ट हो चुकी। इस धरती पर हल चलवाइए और इसमें अरंडी बो दीजिए। जब इब्राहिम सुल्तान खान इस स्थान को देखेगा या इसके बारे में सोचेगा तो हमारी शक्ति के भय से कांप उठेगा। क्या नगर में प्रवेश करेंगे महाराज? नहीं, अभी तो आधा काम हुआ है। सुल्तान महमूद को बिदर में उनके सिंहासन पर बिठाना जो बाकी है। आप नगर में प्रवेश कीजिए और सुल्तान महमूद को यह खबर दीजिए कि हमने इब्राहिम खान को हरा दिया है और गुलबर्गा की चट्टान जैसी मजबूत चार दीवारी का जो हमने हाल किया है उसके बारे में भी बताइएगा। मैं स्वयं उन्हें बिदर छोड़ने आऊंगा। जो आ गया महाराज। महाराज, विजय की स्मृति में और महमूद शाह को बिदर का सिंहासन वापस दिलाने के कारण आपको यवन स्थापनाचार्य की उपाधि स्वीकार कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये उपाधि महाराज को शोभा देती है। अपा जी, आप तुरंत पूर्वी सूबों के नायकों से कहिए कि अपने सैनिक दलों के साथ तैयार हो जाएं। हमें उदयगिरी के साथ युद्ध करना है।
नगर के कायो लौट जाओ, आगे बढ़ो, हवा बोलो। इन मुट्ठी भर कलिंग सैनिकों से हंसी उड़वाते किले को घेर कर खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, चलो। महाराज मुश्किल ये है कि किले तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही सड़क है और वो भी काफी संकरी और चट्टानों के बीच से गुजरती है। हमारे सैनिक जैसे आगे बढ़ते हैं तीर के शिकार हो जाते हैं। हाँ, अगर हम के सैनिकों को भूखा मरने की हालत तक पहुंचा दें तो ही वो हार मानेंगे। तो क्या उम्र भर इन चट्टानों पर बैठकर हम कलिंग सैनिकों के भूखे मरने का इंतजार करते रहेंगे? करो हमला। कोई और उपाय सोचा जाए? उपाय तो है राया, कीमती भी है और कठिन भी। कोई बात नहीं अप्पा जी, इस किले को जीतने के लिए अगर हमें चट्टानों को भी खिसकाना पड़ा तो भी कोई चिंता की बात नहीं। राया हमें करना भी वही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं अप्पा जी? क्या हम इन चट्टानों को तोड़कर रास्ता बनाएं? राम राया, चट्टानों को फोड़कर नहीं, अगर हम लकड़ी के पटरों और मिट्टी से सलामी बनाकर किले की दीवार तक पहुंच गए तो फिर हम चारों तरफ से उन पर धावा बोल सकते हैं। जो आ गया राया। लिपिक। आ गया महाराज। लिखिए भाई लिखिए, एक राजा को शत्रु के साथ युद्ध जीतने की भीष्म प्रतिज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जब वो अपनी सेना के साथ जा रहा होता है, या तो वो अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है और या असफल। यह भी हो सकता है कि भविष्य में उसका उद्देश्य पूरा हो, तत्काल नहीं। एक राजा को राजनीतिज्ञ होना चाहिए या युद्ध का प्रेमी? अप्पा जी, जी आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना धन यहाँ इस किले की रख रखाव के लिए रखना है और बाकी राजकोष में जमा करवा दीजिए। जी बहुत अच्छा। बंदियों के बारे में क्या सोचा? क्या उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारी सेना में भर्ती होने की इच्छा जाहिर करते हैं? जी हाँ राया, बहुत से सैनिक और अधिकारी चाहते हैं। तो उन्हें रख लीजिए, किंतु उन्हें उड़ीसा की सीमा से दूर रखा जाए। और साथ साथ नहीं, बचे हुए बंदी जो अभी भी गजपति के प्रति निष्ठा रखते हैं उन्हें बंदी घर में ही रहने दीजिए, लेकिन उदयगिरी में नहीं। जी राया, राज परिवार के सदस्यों का क्या करें? उन्हें मेरे सामने लाइए। जी बहुत अच्छा। आइए आइए राया, ये उड़ीसा के गजपति प्रताप रुद्र के पुत्र वीरभद्र जी हैं और ये उनकी माता जी गजपति की छोटी रानी। आपका स्वागत है, आशा है आपकी सुख सुविधाओं में कोई बाधा नहीं आई होगी। आसन ग्रहण करें। इस आदर भाव के लिए आभारी हूं राया, क्या जान सकती हूं अब हमारा क्या होगा? देखिए रानी साहिबा, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए अभी मैं आपको कटक भेजने की स्थिति में नहीं हूं। गजपति के साथ अंतिम समझौते तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। पर इस बीच हमारा क्या होगा? आप हमारे साथ रहेंगे और क्या? क्या युद्ध बंदियों की तरह? नहीं, एक राजकीय अतिथि की तरह। अप्पा जी, जी रानी साहिबा और कुंवर के साथ सम्मानित व्यवहार किया जाए, इनकी सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। जो आज्ञा रहे। राया, आपके लिए एक अनमोल रत्न है ये बाल कृष्ण की ये मूर्ति, मुझे किले के राजकक्ष से मिली। ये तो बेजोड़ है, मुख पर अद्भुत मुस्कान है। जी। इसकी स्थापना के लिए महल परिसर में मैं एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। राया, कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति तो जग जाहिर, परंतु यदि आप एक बात का ध्यान रखें तो अच्छा है। आपकी प्रजाओं में बहुत सारे लोग दूसरे पंथों को भी मानने वाले हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भावना को कहीं भी ठेस पहुंचे।
आप ठीक कह रहे हैं। मैं कृष्ण उपासक हूं, इसलिए दूसरे पंथों को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं उनकी उपेक्षा कर रहा हूं। जी हाँ, मेरे विचार से राया, यदि आप राज्य के समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण करें तो बहुत अच्छा होगा। अवश्य। हमारा साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ है, यहां तक कि भाषा भी एक नहीं है। हमें एक ऐसे सूत्र की खोज करनी है जिससे अपनी प्रजा को एक साथ जोड़ कर रख सके। जी। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा, इन तीन भाषा समूहों, विभिन्न जातियों और संस्कारों में बंटी हुई एक बड़ी आबादी को जोड़े रखने में धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी भी सामंती शासक की तरह कृष्णदेव राया ने भी अनेक मंदिर बनवाए और पुराने मंदिरों को दान में धन दिया। राजा की दिनचर्या की नकल मंदिरों में होने लगी। राजा और देवता में एक तरह की समानता आ गई जिससे राजा की प्रतिष्ठा बढ़ी। लक्ष्मण। आज्ञा स्वामी। भाई अभ्यास बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी एक सच्ची लड़ाई देखना चाहता हूं। जब चाहे श्रीमान, पर यह मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। आपके यहां कोई नहीं है जो मुझसे लड़ सके। अच्छा, ये गर्व? गर्व नहीं, सच्चाई है महाराज। बताइए, आपने किस योद्धा के साथ आप मुझे मुकाबला करने के लिए कहेंगे? देखो भाई, हमारे यहां तो कोई ऐसा योद्धा है नहीं। मैं कुंवर वीरभद्र के साथ तुम्हारे मुकाबले की बात सोच रहा था। आपने मुझे बुलवाया? सुना है तुम तलवारबाजी में माहिर हो, सर्वश्रेष्ठ हो। क्या सचमुच तुमने इतनी महारत हासिल की है? एक हारे हुए सैनिक को अपनी वीरता का बखान शोभा नहीं देता महाराज। देखो, उदयगिरी की लड़ाई एक और बात थी। बड़ी लड़ाइयों में व्यक्तिगत कुशलता कोई खास महत्व नहीं रखती। आज यहां मैं तुम्हारी तलवारबाजी का प्रदर्शन देखना चाहता हूं। प्रदर्शन? मैं योद्धा हूं महाराज, कोई खेल दिखाने वाला नहीं हूं। किसी की मांग पर अपनी वीरता का प्रदर्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खेल नहीं, मैं सच्ची लड़ाई की बात कर रहा हूं। सच्ची लड़ाई? लेकिन ऐसा कौन है जो मेरे साथ लड़ सके? लक्ष्मण। इसके साथ? अरे भाई, ये सात समुद्र पार से आए महान तलवारबाज हैं और इन दिनों हमारे अतिथि हैं। लेकिन मैं इसके साथ लड़ नहीं सकता। एक साधारण नागरिक और राजवंश के सदस्य के बीच कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। मेरी अपनी प्रतिष्ठा है। वीरभद्र, अगर तुम इस मुकाबले में विजयी हुए तो हम तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे और तुरंत तुम्हारे पिता के पास कटक भेज देंगे। वैसे भी तुम इस स्थिति में नहीं हो कि हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर सको। ठीक है, मैं लड़ूंगा, पर यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। जाओ, अपनी तलवार चुन लो। लक्ष्मण, मैं केवल इस व्यक्ति का घमंड तोड़ना चाहता हूं। देखो, इसे चोट नहीं लगनी चाहिए। उन्हें कुछ नहीं होगा महाराज, मैं उन्हें मारूंगा नहीं। जाओ, भाग्य सहाय हो, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए तुम विजयी हो। लक्ष्मण, बहुत अच्छे। धन्यवाद महाराज। महाराज, ओह।
ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैं तो बस इसका घमंड थोड़ा कम करना चाहता था। महाराज, कुंवर वीरभद्र की मृत्यु के पश्चात गजपति प्रताप रुद्र काफी टूट चुके हैं। उन्होंने शांति समझौते की याचना करते हुए एक बार फिर से संदेश भेजा है। उनके साथ संधि प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का सही समय आ गया है। उन्हें लिखिए कि हमें यह स्वीकार है, किंतु संदेश वाहक के हाथ यह संदेश न भेजें। हम उनकी रानी को कटक वापस भेज देते हैं और साथ ही समझौते का स्वरूप भी। हमें गजपति पुत्री कलिंग कुमारी के साथ विवाह का प्रस्ताव भी स्वीकार है। रानी को पूरे सम्मान और सद्भाव के साथ सारी बात समझाकर विदा कीजिए। जो आज्ञा महाराज। समय पर काम पूरा होने की उम्मीद रख सकते हैं ना? जरूर, यहाँ के कारीगर काफी होशियार है। हमने जो नक्शा तैयार किया है उसे शक्ल देने में ये लोग जरूर सफल होंगे। देखो, काम अच्छा और समय पर पूरा होने की आवश्यक है। राया के साथ हमारे संबंधों में इस जल प्रदाय की निर्माण माने रखते हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि एक राजा अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए इतना सोच सकता है। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलेंगे। हम लोग पुर्तगाल में बैठकर सोचते हैं कि यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते और कि हम लोग यहाँ आके उनको सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। अपाजी, हथियारों का पता चला या नहीं? महाराज, सूर्यास्त तक उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। ये सब और नहीं सहा जा सकता। देश की राजधानी में देश के अतिथि की हत्या, आदिल खान को इसका मूल्य चुकाना होगा। श्रीमान, मैं अपने दुख को शब्दों में नहीं कह सकता। पादरी लुईस हम सबके हृदय में समा गए थे। वो एक सीधे सच्चे इंसान थे। अप्पा जी, पुर्तगाल के इस महान राजगीर की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध करना चाहिए। अवश्य महाराज। और पुर्तगाली राज्यपाल से हमें क्षमा मांगनी होगी कि हम उनके दूत की रक्षा नहीं कर पाए, और उन्हें माकूल मुआवजा भी देना होगा। इस सब का तुरंत प्रबंध किया जाए जी। और उन हत्यारों को जीवित मेरे सामने लाया जाए, उनसे उगलवाने के बाद आदिल खान को सबक सिखाया जाएगा। ये कौन है अप्पा जी? सुल्तान इस्माइल आदिल खान की तरफ से मैं, विजयनगर राया रायन महाराज कृष्णदेव राया को खैर ख्वाही का पैगाम लेकर आया हूँ। मगर आपसे पहले किसी मंत्री से मिलने के लिए कहा गया था ना? जनाब, गुस्ताखी माफ करें। दरअसल चलते वक्त मुझे हिदायत दी गई थी कि मैं सिर्फ वाली विजयनगर को ही अपना संदेशा सुनाऊं। मगर ये कोई ढंग नहीं है। जनाब, ये तो मुझे भी मालूम है, पर ये एक बादशाह के नाम दूसरे बादशाह का सीधा पैगाम है। ये किस बादशाह का संदेश लेकर आए हैं? हुजूर, मैं बीजापुर के बादशाह इस्माइल आदिल खान शाह का एलची हूँ। अच्छा, जबरदस्ती सल्तनत हड़पने वाले आदिल खान अब अपने आप को शाह कहने लगे हैं। ठीक है, संदेशा सुनाओ। मेरे आका राया रायन के साथ सुलह और अमन कायम करने की ख्वाहिश रखते हैं। मुझे समझौते की शर्तें तय करने के लिए भेजा गया है। आदिल खान हमसे समझौता करना चाहता है, जबकि हमने उसे युद्ध में हरा दिया है। जाओ और जाकर उससे कहो कि वो यहां आए और हमारे सामने गिरकर हमारी कदमबोसी करे, तब शायद हम अमन और समझौते की बात सोच सके। ये हमारी शर्त है। जाओ, जाकर कह दो उससे।
विजयनगर में उत्तराधिकार का सवाल हमेशा बहुत पेचीदा हुआ करता था। कई बार तो इसके लिए खून तक बहने की नौबत आ गई। कृष्णदेवराया ने अपने 6 वर्ष के मासूम बच्चे को अपने जीते जी राजा बना दिया ताकि वो अपने बेटे का मार्गदर्शन करे और उसके हितों की रक्षा कर सके। कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः देवस्य त्वास विदुप्रसवे। राया, आप कम से कम शासनपाल का पद स्वीकार कर लेते तो अच्छा था। नहीं अप्पा जी, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब मेरा पुत्र विजयनगर का राजा है। मैं उनके दूसरे मंत्रियों की तरह एक मंत्री होकर रहना चाहता हूं, पर अप्पा जी आप प्रधानमंत्री के पद पर ही रहें और नए राजा की वैसे ही सेवा करें जैसी आपने मेरी की है। राया, मैं वचन देता हूं, पर कुछ नहीं अप्पा जी, सत्ता परिवर्तन के लिए यह समय हर तरह से उपयुक्त है। आदिल खान के हार जाने से वातावरण शांत है, साम्राज्य में स्थिरता है, सीमाएं सुरक्षित हैं। अब मैं अपने आप को भगवान कृष्ण की उपासना और किताबें लिखने के काम में लगाना चाहता हूं। जिन कार्यों को समय न मिलने के कारण मैं नहीं कर पाया, उन्हें आप पूरा कीजिए। भाग्य भी कभी कभी कितना कठोर हो जाता है। राज्याभिषेक के 2 दिन बाद ही महाराज अस्वस्थ हो गए। ज्वर ने इन्हें निचोड़ कर रख दिया है। बैती जी, क्या कोई ऐसी औषधि नहीं जिससे ज्वर कम हो जाए? मैंने सारे प्रयत्न कर लिए हैं स्वामी, पर कोई औषधि असर नहीं कर रही। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आपका सारा औषध ज्ञान पराजित हो चुका है? महाराज, मैंने एक पुर्तगाली चिकित्सक को गोवा से बुलाया है। समझ नहीं आता इस भयानक ज्वर का कारण क्या है। अद्भुत ताप चढ़ा है। राजवैद्य जी, क्या यह हो सकता है कि इनके भोजन में कुछ मिलाया गया हो? कुछ कहा नहीं जाता, विष के लक्षण भी साफ नहीं है। पर ऐसी कोई संभावना है? निश्चित रूप से कह सकना संभव नहीं, पर किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? महाराज, राया, मुझे संदेह है कि राजन को किसी ने विष दिया है। ऐसे अबोध बालक को कोई क्यों विष देगा, जबकि गद्दी के सब दावेदारों को हम पहले ही चंद्रगिरी किले में बंदी बना चुके हैं। हो सकता है कोई किसी को अपने लाभ के लिए और अपने इशारों पर नचाने के लिए राजा बनाना चाहता हो। तुम्हें किस पर संदेह है? हो सकता है ये किसी मंत्री का। मंत्री? अप्पा जी, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मुझे पूरा विश्वास है। याद कीजिए राया, एक दिन उन्होंने आपको भी गद्दी पर बिठाया था। ले जाओ इसे, मैं इस नीच का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। राया, इस वक्त आप दुखी और उत्तेजित हैं, इसलिए आप सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। सच्चाई यह है कि तुम देशद्रोही हो, राज हत्या करने वाले नीच षड्यंत्रकारी। अगर आपको ऐसे लगता है तो मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए। तुम इसी लायक हो। मैं सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं कर रहा कि ब्रह्म हत्या का पाप मैं अपने सर पर नहीं लेना चाहता। ले जाओ इसे, आंखें फोड़ कर काल कोठरी में डाल दो इसे।
जान बच रही है यही बहुत है अप्पा जी। अगर मैं होता तो कभी जीवित नहीं छोड़ता। अगर आपको भी बोलने का अधिकार है तो राया, न्याय की आशा करना व्यर्थ ही है। ले जाओ इसे, ले जाओ। ऐसा था विजयनगर जो सारे दक्षिण और उत्तरी तट पर फैला हुआ था। उसे अपनी खुशहाली और सुंदरता पर बड़ा नाज था और अपनी ताकत पर हद से ज्यादा घमंड। किसी ने यह सोचा तक नहीं कि शहर और सल्तनत दोनों का अंत बहुत दूर नहीं था। पायस की यात्रा के सिर्फ 43 साल बाद ही अचानक विजयनगर पर खतरे के बादल मंडराने लगे। विजयनगर से ईर्ष्या करने वाली दक्कन की बाकी रियासतों ने संगठित होकर विजयनगर को खत्म करने की तैयारी की। इसके बावजूद विजयनगर बेवकूफी की हद तक अपनी ताकत के नशे में चूर था, पर जल्द ही उसका विनाश हुआ जो मुकम्मल और भयानक था। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदे कर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।